ये कहानी है दौलतपुर गांव की, जहां चंपा कली अपने सास ससुर और निठल्ले पति के साथ रहा करती थी। घर के हालात को सही ना होने की वजह से चंपा कली रास्ते में बैठकर फल बेचा करती थी। बेटा चंपा, तू कितनी मेहनत करती है और एक मेरा निकम्मा निठल्ला बेटा है जिसे दिन भर घूमने के अलावा कोई काम नहीं आता। पिताजी, अब ये कुछ नहीं करेंगे तो किसी न किसी को तो घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ बेटा, जब से तू इस घर में आई है बस दुखी मिला है तुझे। आप ऐसा मत कहिए पिताजी, आखिर मैं भी तो इस घर का ही हिस्सा हूँ। मैं करूँ या कोई और करे, क्या फर्क पड़ता है। देखिए, आ गए आपके लाडले। क्यों रे नालायक, कहाँ घूम रहा है, कुछ काम धंधा नहीं कर सकता तो कम से कम बहू की ही मदद कर दिया कर उसके काम में। पिताजी, आप तो मेरे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए हैं। अरे हाथ धोकर क्या, पूरे नहा धोकर ही पड़े हैं। मुझसे ये छोटे मोटे काम नहीं होंगे। मेरे गुरु ने कहा है मेरे बुरे दिन जल्द ही खत्म हो जाएंगे। जैसा तू निकम्मा वैसे तेरे गुरु भी निकम्मा। तेरा गुरु वही बंसी है ना, दोनों के दोनों काम के न काज के दुश्मन अनाज के। अच्छा पिताजी, अब मैं फल बेचने के लिए निकलती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। कल तो फल बिके नहीं, आज थोड़ा जल्दी आई हूँ ताकि फल बिक जाए। घर में आटा चावल कुछ भी नहीं है, थोड़े पैसे आ जाए तो आटा चावल लेकर घर जाऊंगी। चंपा बाजार में आकर फल बेचने लगती है। लोग चंपा की दुकान पर आते हैं और फल देखकर वापस चले जाते हैं क्योंकि फलों पर मक्खियां लग रही थी। चंपा, कैसे दे रही हो ये फल? साहब जी, ले जाइए, सस्ता लगा दूंगी। कोई सा भी फल ले लीजिए, 60 का भाव लगा दूंगी। 60 का भाव तो बहुत महंगा है रहा चंपा, तेरे सारे फल खराब हो रहे हैं, मक्खियां भिनक रही हैं तेरे फलों पर। ना ना ना, रहने दे। अरे साहब जी, आ जाओ, 40 का भाव लगा दूंगी। एक ग्राहक ने तो बड़ी मुश्किल से भाव पूछे और वो भी चला गया। चंपा ने बहुत कोशिश की पर उसके फल बिक नहीं रहे थे। सारा फल लेकर मजबूरी में चंपा घर आ गई। आ गई तो चंपा बेटा, ला जल्दी से पैसे दे, आटा ले आओ, तेरे पिताजी को बहुत भूख लगी है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने बहुत कोशिश की पर फल नहीं बिके। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तू रो मत, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही सो जाएंगे, बस तू रो मत। भगवान पता नहीं कैसे कैसे दिन दिखा रहा है हमें। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मुझे भूख नहीं लगी है, हम आज ऐसे ही सो जाते हैं। माँ जी, मैं अभी बाजार निकल जाती हूँ ताकि शाम तक कुछ पैसों का इंतजाम हो सके। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। फल ले जाओ भैया, आओ बहन जी, ताजे ताजे फल ले जाओ। चंपा बाजार में जाकर सुबह सुबह बैठ गई और चिल्ला चिल्ला कर फल बेचने लगी, पर चंपा की दुकान पर कोई भी नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या लिखा है किस्मत में, ये किस्मत भी कैसा खेल खेल रही है मेरे साथ। अब तो घर ही जाना पड़ेगा, सुबह से शाम हो गई और एक भी फल नहीं बिका। करीब 2 दिन हो गए थे चंपा के घर में खाना नहीं बना था। चंपा रोज बाजार आकर बैठती और खाली हाथ वापस चली जाती। लगता है कुछ दूसरा उपाय करना पड़ेगा। क्यों ना जो रेड़ी खड़ी है उस पर फल लेकर घर घर बेचूं, बाजार में तो कुछ होने से रहा। कल से रेड़ी लेकर ही घर घर जाऊंगी और फल बेचकर देखूंगी कि क्या फल बिकता है या नहीं। चंपा, कई दिन से देख रहा हूँ तू सुबह सुबह चली जाती है,
पर तेरे फल बिकते ही नहीं। चल आज मैं भी तेरे साथ चलता हूँ और तेरी मदद करता हूँ आज। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, मुझे बहुत खुशी होगी। चंपा और मदन दोनों रेडी लेकर चल दिए और गांव में चिल्ला चिल्ला कर फल बेचने लगे। केले, फल ले जाओ भैया, आओ भैया आओ। चंपा की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग आए। केले, फल ले जाओ भैया, आओ भैया आओ। क्या रे मदन, तू भी आज चंपा के साथ फल बेचने आ गया? चल एक काम कर, एक दर्जन केले दे दे। इस तरह दो दिन बाद चंपा के एक दर्जन केले बिके। उसके बाद चंपा ने अपनी और भी कोशिश की, गांव में घूम घूम कर फल बेचे, पर किसी ने भी उसके फल नहीं खरीदे। मजबूरन वो दोनों वापस घर आने लगे तो रास्ते में उन्हें एक दर्पण दिखाई दिया। चंपा वो देख, एक दर्पण कितना अद्भुत है ना? हाँ जी अद्भुत तो है, पर इतना सुंदर दर्पण किसने यहाँ फेंका है और क्यों? हमें उससे क्या लेना देना है चंपा, हमारे घर में वैसे भी दर्पण नहीं है। एक काम करते हैं, इसे ले चलते हैं। हाँ जब इसका कोई मालिक नहीं है तो हम ही इसे उठा लेते हैं। मदन ने दर्पण उठाकर रेडी पर रख लिया और घर आ गए। घर आकर उन्होंने दर्पण रख दिया और चंपा उसके सामने खड़ी हुई थी तो उसका प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई दे रहा था। लगता है आज भी हमें रोटी नसीब नहीं होगी। हे मालिक, हम पर रहम कर, कहीं से खाने का इंतजाम कर दे, दो दिन से भूखे हैं। चंपा के इतना कहते ही दर्पण में से खाने की प्लेट निकल कर लग गईं। चंपा ये क्या है, इस दर्पण से तो भोजन की थालियां आ रही हैं। हाँ जी वही तो मैं भी देख रही हूँ, मुझे तो लगता है ये कोई जादुई दर्पण है। अगर ऐसा है तो समझ हमारी गरीबी दूर हो गई माँ। तो देख अब ये जादुई दर्पण हम सबको थोड़े वस्त्र और धन दे दे। मदन ने कई बार बोला पर दर्पण से कुछ भी नहीं निकला। तब चंपा बोली, आप रुकिए जी जरा, जादुई दर्पण हमें थोड़े वस्त्र दे दो। ये क्या बात हुई, ये दर्पण लेकर मैं आया और बात ये चंपा की मान रहा है? मदन बेटा ध्यान से देख, दर्पण में चंपा की छवि आ रही है। मुझे लगता है जिसकी छवि दर्पण में दिखाई देगी दर्पण उसी की आवाज सुन सकता है। बस एक काम कर, तू जाके दर्पण के सामने खड़ा हो और उसके बाद बोल। तू शायद सही कह रही है माँ, मैं अभी दर्पण के सामने जाता हूँ। जादुई दर्पण हमें थोड़े पैसे दे दो। ये कोई आम दर्पण नहीं है, इस दर्पण से हमारी गरीबी दूर होगी और हमारे साथ साथ कई लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। इस दर्पण की मदद से हम जरूरतमंदों की सहायता करेंगे। इस तरह चंपा और उसके घर वालों का जीवन जादुई दर्पण आने से पूरा बदल गया। अब वो खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे और दूसरों की मदद भी करने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है दोस्तों कि अगर हम किसी की मदद करने लायक हैं तो हमें मदद जरूर करनी चाहिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।